Okay, so today we are going to discuss about IPv4 addresses. Right? Oh, you are Mohan Prajapati. Okay, good to know that. I have seen your lovely comments. Thank you for your great support. Okay, guys, let's start the session that is going to be IPv4 addresses, right? So we will discuss all the classes and let's see कितना टाइम में हम कवर कर पाते हैं. मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन एंड द एंड ऑफ दिस सेशन आई डेफिनेटली गिव यू टाइम टू यू नो रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू IPv4. So IPv4 is known as how many bits? 32 bits IP address. IPv4. There are two IP addresses available as of now, which is one is your IPv4, which is Internet Protocol version 4, and second is your IPv6, which is Internet Protocol version 6. Right? Definitely we'll cover IPv6 in later on, but today we'll discuss about first the IPv4, because IPv4 has a so many things included in it, right? So we'll discuss one by one. So IPv4 is 32-bit IP address. Why it is known as a 32-bit IP address? Because there are the combination of 0 and 1 is 32. There are count. If you count 0 and 1, maybe you can see some of the 1 and some of the zeros. So if you count them, that will become 32. That is why it is known as a 32-bit IP address. So let us see. C combination is 32-bit IP address. So IPv4 address is generally we know in this format, which is decimal format, you can say 132.168.10.1 and so on, right? So it is kind of like that. There are different classes available. So we have five classes. The IPv4 addresses are divided into five classes. You know what are the classes? Class A, class B, class C, Class B, Class C. class D, and class E. So इनमें से कितनी क्लासेस को हम लोग यूज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ क्लास वी यूज जनरली इन द नेटवर्क एज अ नेटवर्क एडमिन और आईटी पर्सन? देर आर थ्री थ्री क्लासेस मेजर थ्री मेजर क्लासेस वी यूज टू कॉन्फिगर द आईपी एड्रेसेस इन वेरियस डिवाइसेस और मे बी क्लास ए बी सी. डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस. वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस लेटर ऑन. सो किसी को पता है ये क्लासेस जो है वो किस तरह से डिजाइन करी गई हैं, किस बेस पे डिजाइन करी गई हैं? बेस ऑफ IPv4 क्लासेस इज ऑन प्रायोरिटी बिट. प्रायोरिटी बिट की बेसिस पे ये क्लासेस डिफाइन की गई हैं. एंड देर इज वन मोर वर्ड विच वन मोर फीचर यू कैन से विच इज मैजिक टेबल. हाउ मेनी ऑफ अवेयर ऑफ दिस मैजिक टेबल? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ मैजिक टेबल? व्हाट इज मैजिक टेबल? एनीवन? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ गाइस. अगर आप लोगों को आंसर करना है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर कि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो. हेलो जी. सर, ये आईपी एड्रेस अपन जो ओएनटी के आईपी एड्रेस जो देते हैं, ये कहाँ पर यूज होती है कन्वेंस करने के लिए सर? आप तो अभी आगे एडवांस में पहुंच गए. मैं पूछ रहा हूँ जो उसका आंसर दो ना आप. तो अभी अभी ये आपके क्वेश्चन बाद में लूंगा मैं एंड में.
मैं अभी पूछ रहा हूँ व्हाट इज मैजिक टेबल, मैजिक टेबल क्या है? सर बाइनरी नंबर सर, इट इज अ टेबल. मैजिक, व्हाट इज मैजिक? मैजिक मींस जादू, राइट? इन नेटवर्किंग वी हैव अ जादुई टेबल, यू कैन से. Why it is known as jadui? Because it, whatever you do subnetting, it is purely depend on the magic table. So magic table has some values, which is 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1. If you count them, you can see 128 is 1, 64 is 2, 32 is 3, 4, 5, 6, 7, 8. So magic table has 8 values. राइट सो अब इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज दिस. से फॉर एग्जाम्पल 128 के नीचे आपके पास में यू हैव अ वन, राइट? सो वन इज योर बिट, जीरो और वन, देर आर ओनली टू. इफ यू कन्वर्ट एनी नंबर इन टू बाइनरी फॉर्मेट एंड ओनली इट विल कैन बी कन्वर्टेड इन जीरो और वन, राइट? से फॉर एग्जाम्पल 128 के नीचे अगर आपको वन मिलता है, दैट मीन्स ये 128 आपके लिए बेनिफिशियल है. अगर आपके पास में यहाँ पे 64 के नीचे जीरो आ गया, या एनी नंबर जो आप सभी यहाँ पे नंबर्स देख पा रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर आपके पास में जीरो आता है, देन दैट नंबर इज नॉट यूजेबल. आपको वो नंबर को इग्नोर करना है. इफ जीरो यू हैव टू इग्नोर इट, इफ वन यू हैव टू काउंट इट, राइट? यहां पर आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पर आपको कोई सब्स्ट्रक्शन नहीं करना, आपको यहां पर सिर्फ सम करना है, यानी कि प्लस करना है. लेट्स से कि आपके पास में 128 के नीचे 1 है, 64 के नीचे 1 है और बाकी सभी के नीचे 0 है, राइट? 32 के नीचे आपके पास में 0 है, 16 के नीचे 0 है, 8 के नीचे 0 है, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे एंड 1 के नीचे भी 0 है. सो आप क्या करोगे, इसको काउंट करोगे, तो कैसे काउंट करोगे? 128 प्लस 64, हाउ मच इट इज? 191, राइट? सो ये 191 बन गया आपका. और अब इसी तरह से जो है, अगर 1 के नीचे भी 1 आ गया तो आपका क्या हो गया? 128 प्लस 64 और फिर यहां पर भी 1 है, तो ये आपका बन जाएगा 192, ठीक है? 191 बनेगा, 192 बनेगा, 192 बनेगा आई बिलीव, है ना? अभी 193 हो गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों इवन वैल्यूज हैं, यहाँ पे एक हो गया, 193 बन गया. यहाँ पे 128 प्लस 64 दैट इज 192, है ना? तो ये जो है आपका मैजिक टेबल करने यूज करने का तरीका है. अब हमारे पास ये जो क्लासेस हैं, ये डिवाइड करी गई हैं बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी बिट. एंड व्हाट इज प्रायोरिटी बिट? प्रायोरिटी बिट, इफ यू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू बाइनरी फॉर्मेट और उसका जो सबसे स्टार्टिंग का नंबर है और वहां से शुरुआत होने वाला जो नंबर है, दैट इज कॉल्ड दी बाइनरी योर प्रायोरिटी बिट. फॉर क्लास ए, मैं यहां पे ऊपर में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, PRI, यानी कि प्रायोरिटी बिट फॉर क्लास ए इज 1, राइट? फॉर क्लास ए इट इज 1, सॉरी 0, नॉट 1, इट इज 0, राइट? सो अब आपके पास में रेंज कहां से कहां तक आती है? 0 से 127, और इसमें 127 इज रिजर्व्ड एज लूप बैक, इट इज योर लूप बैक एड्रेस, राइट? सो आपका ये लूप बैक एड्रेस है. सो अब आपकी क्लास बी की अगर बात करें, तो क्लास बी में हमारे पास कितने बिट्स हैं यहां पे एज आई रिजर्व करे गए, कोई बताएगा? एनीवन? एनीवन? जल्दी से, इसको आईपी एड्रेस नहीं आते? चलो आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में जा रहा हूं, इसलिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं. तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर क्लास ए की बात करें, तो क्लास ए की जो रेंज है, अभी प्रायोरिटी वरायटी को छोड़ दो, यहाँ पे आपके पास में 0 से 127 तक है, राइट? और जिसमें 127 इज योर लूप बैक. और कभी आप, अच्छा मुझे एक आंसर बताओ, अगर आपको आपका एनआईसी कार्ड यूज करना है, आपको चेक करना है कि वो आपका जो एनआईसी कार्ड है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो हाउ यू विल चेक? सी इफ आई वांट टू चेक माय सिस्टम्स एनआईसी कार्ड वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डू पिंग
127.0.0.1। सो यू कैन सी यहां पर हमें रिप्लाई मिल रहा था, राइट? इफ वी आर गेटिंग दैट रिप्लाई, विच मीन्स आपका एनआईसी कार्ड इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है, बीच में आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, फिर रिप्लाई आ रहा है, फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, विच मीन्स आपका एनआईसी कार्ड कंप्लीटली 100% फेल नहीं हुआ है, बट देयर आर इश्यूज इन दी हार्डवेयर, राइट? तो इन दैट केस आपको आपका जो एनआईसी कार्ड है, अगर ऑन बोर्ड है, तो यू कैनॉट डू एनीथिंग। आप उसमें आपका जो पीसीआई स्लॉट होता है उसके अंदर एडिशनली एनआईसी कार्ड एड कर सकते हो, राइट? फॉर क्लास बी रेंज क्या है आपकी, यहां पे 128 से लेके 191 तक। फॉर क्लास सी आपके पास में रेंज क्या है आपकी, यहां पे 190 से 223 तक। अब आपके पास में नेक्स्ट इज 224 से लेके 239। फिर आपका कहां से 240 से 240 से 255 तक। 255 प्लीज सी, जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है म्यूट रखें। ओके, सो यहां पर ये हमारे पास रेंजेस है, राइट? क्लास ए में हमारे पास 0 से 127, क्लास बी में 128 से 191। सो ये जो हम देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, बिकॉज आपका जो आईपी एड्रेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर ऑक्टेट, है ना? क्या बोलते हैं उसको, फोर ऑक्टेट। ऑक्टेट किसको बोलते हैं, यू कैन सी यहाँ पे 192 डॉट, ये डॉट से पहले का आपका एक सेक्शन बन गया, विच इज आप इसको ग्रुप कह सकते हो, बट हम लोग नेटवर्किंग में इसको ऑक्टेट बोलते हैं IPv4 के अंदर, राइट? डॉट के बाद 168 है, ये भी आपका एक ऑक्टेट है, सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट, ये फोर्थ ऑक्टेट। तो ये आपके पास में चार ऑक्टेट है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका थर्ड जो आपका आईपी एड्रेस है वो आपका क्या है, यहाँ पे 32 बिट इक्वली डिवाइड करे गए हैं, राइट? कैसे, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ यू कन्वर्ट एनी नंबर, बिकॉज हमें हमारे पास यहाँ पे 32 बिट आईपी एड्रेसेस हैं, सो इफ यू कन्वर्ट ऑल दी नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्मेट, ऑफ कोर्स 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन आएगा। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम यूजिंग हियर 0, राइट? सो दिस इज हाउ 32 बिट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फोर पोर्शंस, और विच इज नोन एज ऑक्टेट, राइट? सो हमारे एक ऑक्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है, 8। देयर आर 8 बिट्स अवेलेबल इन वन ऑक्टेट, राइट? सो अब हमारे पास बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, हमारे पास यहां पर जो है आईपी एड्रेसेस की बात करें, तो हम क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, सिर्फ इन तीन आईपी एड्रेसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तीन क्लासेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट, ठीक है? ये आपका मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व करी गई है। प्लीज म्यूट कर लें जिसकी नॉइस है, प्लीज म्यूट रखें। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस में मल्टीकास्ट के लिए आपका क्लास डी रिजर्व है, राइट? अब यहाँ पे ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब आपके पास में एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में कोई नेबरशिप इंप्लीमेंट करनी है आपको, या वहां पे जो अपडेट्स आपकी जा रही है एक राउटर से दूसरे राउटर में, नेबरशिप डेवलप हो रही है, आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है एक दूसरे को अपडेट सेंड कर रहे हैं, इन दैट केस हमारे पास क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस है ये रिजर्व करे गए हैं। वहां पे ऑटोमेटिकली आपके जो है हर प्रोटोकॉल को अपने अपने आईपी एड्रेसेस असाइन किए गए हैं, प्री कॉन्फिगर्ड है उनके अंदर में। तो जैसे ही आप कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फिगर करते हो तो ऑटोमेटिकली उनका जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है वो एक्टिव हो जाता है। बट क्लास ई जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है रिजर्व करी है, जो कि हम लोग कभी यूज भी नहीं करेंगे, बिकॉज अभी IPv4 जो है वो आपका आउटडेटेड होता जा रहा है, और प्लस अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी विच इज IPv6 वो हमारे पास जो है अभी आगे आने वाले समय में हम लोग सबसे ज्यादा उसी को इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता हो जियो का जितना नेटवर्क है, गूगल के जितने भी सर्वर्स हैं, वो सभी मैक्सिमम बड़ी कंपनीज ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको IPv6 पे शिफ्ट कर दिया गया है, बट स्टिल बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज आज भी IPv4 का इस्तेमाल कर रही है,
तो इसीलिए जो है अभी IPv4 एंड IPv6 दोनों प्रोटोकॉल का हम लोग नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर वी शुड नो बोथ दी आईपी एड्रेसेस, बोथ दी टेक्नोलॉजी, IPv4 एंड IPv6, राइट। अब ये जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं क्लास ए एंड बी एंड सी, सो ऑल दी आईपी एड्रेसेस व्हिच बिलोंग टू ए बी एंड सी आर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, राइट, टू पार्ट्स यू कैन से। सो IPv4, आईपी, और कोई मुझे बताएगा कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? IPv6 सर, प्राइवेट एंड पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, वन इज योर प्राइवेट और वन इज योर पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक के अंदर। अब ऐसा क्यों डिवाइड किया गया है? बिकॉज आपके पास में जो है ना, पहले स्टार्टिंग के अंदर आपके पास में ये क्लासेस नहीं थी, लेकिन अब जो है ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं किसी और सेक्शन के अंदर आपको बताऊंगा, किसी और वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर, बट यहां पर हम लोग प्राइवेट की बात करते हैं। ऐसे कौन से आईपी एड्रेसेस हैं क्लास ए एंड बी एंड सी के अंदर जो हमें अपने लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करने चाहिए? अगर हमने पब्लिक आईपी एड्रेसेस अगर अपने लोकल एरिया नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर दिए, कॉन्फिगर कर दिए, सो व्हाट विल हैपन, द मोमेंट यू विल कनेक्ट ISP कनेक्टिविटी इन टू योर लोकल एरिया नेटवर्क, आपका लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है वो आपके कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विच इज कॉल्ड आईना, राइट। अब आईना के, आईना क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आई नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी आपके कह सकते हो आप जो यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है उनको वो मेंटेन करती है, उनको वो मैनेज करती है। तो विदाउट परमिशन आप कोई भी प्राइवेट आईपी एड्रेस तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले आप कितने भी बड़े ISP भी बन जाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बन जाते हैं, इवन दो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास में कोई आईपी एड्रेस मिल गया है, आपको अलॉट किया गया है, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहां पे क्लास ए के अंदर अगर हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की बात करें, तो क्लास ए के अंदर हमारे पास जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं वो कहां से कहां तक है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास जो है 10 की है, जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसके अंदर 10 आता है, राइट। सेकेंड ऑक्टेट में कुछ भी हो सकता है, थर्ड ऑक्टेट में कुछ भी हो सकता है, फोर्थ ऑक्टेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग ऑक्टेट के अंदर आप सिर्फ 10 इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 127 आप इसलिए नहीं इस्तेमाल करते बिकॉज इट इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस, एंड 0 आप फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर हम इस्तेमाल करते नहीं है, राइट। सो 1 से लेके 126 तक के हमारे पास रेंज है, बट अपार्ट ऑल मतलब जितने भी हमारे पास रेंज के हमारे पास सीरीज अवेलेबल है उनमें से हम सिर्फ 10 को इस्तेमाल करते हैं एज अ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर असाइन करने के लिए या प्राइवेट नेटवर्क के अंदर असाइन करने के लिए, राइट। इसी तरह से हमारे पास क्लास बी है, क्लास बी में हमारे पास यहाँ पे 172.16.0.0 से लेके आपका फर्स्ट ऑक्टेट तो ये बिल्कुल ऐसा ही चल सकता है, लेकिन यहाँ पे 172 फर्स्ट ऑक्टेट पे आपका बिल्कुल यही रहेगा, सेकेंड ऑक्टेट पे आप 31 तक जा सकते हो। सो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सो आप यहां पर 31 तक आप लेकर जा सकते हो। दैट इज दी क्लास बी आईपी एड्रेस फॉर प्राइवेट नेटवर्क। फॉर क्लास सी हमारे पास 192.168, बिकॉज क्लास सी के अंदर देर आर ओनली 254 आईपी एड्रेस अवेलेबल इन वन आईपी सीरीज, ठीक है। मेरा एक बहुत बढ़िया वीडियो पड़ा है चैनल पे, आप लोग, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा तो आपको पूरा और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्लास सी के अंदर एक आईपी सीरीज के अंदर देर आर ओनली 254 वैलिड आईपी एड्रेस अवेलेबल टू कॉन्फिगर इन दी नेटवर्क डिवाइसेज और मे बी दी होस्ट। इसीलिए यहां पर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड जो ऑक्टेट है इसी को फ्रीज करा गया है। थर्ड ऑक्टेट आप में आप 0 से लेकर
255 तक जा सकते हो, तो फोर्थ आपका जीरो कुछ भी हो सकता है, जीरो आपकी रेंज में, तो आपका जो है कहां तक जा सकते हो 192.168.255 तक जा सकते हो थर्ड ऑक्टेट पे, एंड यहां पर आपके पास रेंज है। क्लास ए में सिर्फ 10 का इस्तेमाल कर सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट पे, क्लास बी के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट तो आपका 172 फ्रीज है, सेकंड पे आप 16 से लेके 31 तक जा सकते हो, क्लास सी के अंदर 192.168 फ्रीज है, थर्ड ऑक्टेट के अंदर आप 0 से 255 तक जा सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल 255। अब 255 से हम आगे नहीं जा सकते बिकॉज IPv4 के जो रेंज है, रेंज ऑफ IPv4 एड्रेसेस इज 0 to 255। एनी ऑक्टेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एनी ऑक्टेट के किसी भी ऑक्टेट के अंदर आपके पास में रेंज आपकी 0 से 255 तक ही जाएगी। अगर किसी भी ऑक्टेट में से फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी भी ऑक्टेट पे अगर आपको 256 नंबर शो हो रहा है, दैट मींस दैट इज इनवैलिड आईपी एड्रेस, राइट, दैट इज इनवैलिड आईपी एड्रेस। सो अब मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं, अब यहां पर जितनी भी क्लास है जो हम लोग प्राइवेट नेटवर्क के, अच्छा ये प्राइवेट नेटवर्क को छोड़ के बाकी जितनी आईपी सीरीज बची है रेंज में वो सारे के सारे आपके पब्लिक आईपी एड्रेस है, आप उनको इस्तेमाल, इसलिए आपको क्या करना है सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस को याद रखना है, पब्लिक ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे बिकॉज वो आपके इस नेटवर्क को छोड़कर बाकी जितने आपके आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है वो सारे आपके पब्लिक आईपी एड्रेस है, उनको हम लोग अपने किसी भी नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, अगर आपका स्टैंड अलोन नेटवर्क है डेफिनेटली आप कॉन्फिगर करके उसको यूज कर सकते हो, लेकिन द मोमेंट यू कनेक्ट ISP कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, इन दैट केस आपके नेटवर्क के अंदर जो आपका प्राइवेट नेटवर्क आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो आपका पब्लिक नेटवर्क में नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, राइट। सो हमारे जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं ये आपके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे गए, है ना, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एक एक सेक्शन को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क पार्ट बोलते हैं, दूसरा हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड होस्ट पार्ट, ठीक है, तो दो पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। अब यहां पर हमारे पास में लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर क्लास ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टेट फॉर्मेट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट फॉर्मेट, ठीक है, इट्स अ ऑक्टेट फॉर्मेट। क्लास ए का जो ऑक्टेट फॉर्मेट है दैट इज n.h.h.h, n स्टैंड करता है आपका नेटवर्क के लिए, h स्टैंड करता है होस्ट पोर्शन के लिए, राइट। सेकंड हमारे पास क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी में हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क, सेकंड ऑक्टेट नेटवर्क, थर्ड ऑक्टेट आपका होस्ट एंड सेकंड ऑक्टेट फोर्थ ऑक्टेट आपका होस्ट। देन क्लास सी की अगर बात करें तो क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट होस्ट। अब होस्ट सेक्शन में आपके पास 0 से 255 आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन नेटवर्क पार्ट आपका कॉमन होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हाई इट इज सो, अगर मैं यहां पे क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का ऑक्टेट फॉर्मेट क्या है, नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट। सो इसका मतलब है, लेट मी टेक एन एग्जांपल, हमारे पास यहां पे PC1 है, वी हैव PC2, वी हैव PC3, ठीक है। अब आप लोग प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है बिकॉज इट इज अ लाइव क्लास, सो आप लोग क्या करें अपने बैकग्राउंड में नॉइस है तो प्लीज म्यूट मत अनम्यूट मत कीजिएगा, मैं अब आप लोगों को परमिशन दे रहा हूं अनम्यूट करने की बिकॉज आई नीड यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ओके, सो लेट मी गिव यू परमिशन, ओके आई हैव गिवन यू परमिशंस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पर अब आपके सामने मैं लिख रहा हूं आईपी एड्रेस फॉर क्लास ए, क्लास ए का आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, आपको मुझे ये बताना है, इन तीनों कंप्यूटर के सामने मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा, आपको मुझे ये बताना है कि कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कौन से ऐसे कंप्यूटर है कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सो दैट बट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, राइट। सो 10.0.0.1 सेकेंड हमारे पास PC2 को हमने आईपी एड्रेस दे दिया 11.0.0.2
और थर्ड वाले को दे दिया हमने 10.255.0.50। सो कौन बताएगा क्यों इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते? वन और थ्री सर, कोई नहीं कर सकता सर। पीसी वन एंड पीसी थ्री, राइट, पीसी वन एंड पीसी थ्री ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट पीसी टू कम्युनिकेशन इन दोनों के साथ में नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इनका जो नेटवर्क सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। होस्ट सेक्शन आपका 0 से 255 की रेंज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो नेटवर्क सेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पास में बड़ा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपको जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, जितने भी पीसी हैं, उनके अंदर आपको क्लास ए का आईपी एड्रेस अगर आप कॉन्फिगर कर रहे हो तो सभी के अंदर आपको स्टार्टिंग में 10 ही लिखना पड़ेगा, राइट, 10 ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख रहे हो चलेगा, बट स्टार्टिंग के अंदर आपको 10 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जरा मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं। लेट मी ओपन पैकेट ट्रेसर। जिन्होंने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं करा, आराम से गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे नेट आपका जो है अकेडमी पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीसी ले लेता हूँ, यू कैन सी ये मैंने पीसी ले लिया। अब इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे यू कैन सी आईपी एड्रेस। ठीक है, मैं दो कंप्यूटर लेता हूँ, इनफैक्ट नॉट वन, दो कंप्यूटर लेता हूँ, बीच में एक स्विच भी ले लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मच बेटर वे, राइट। सो वी हैव टू कंप्यूटर्स अवेलेबल, सो लेट देम कनेक्ट टू द स्विच। ओके, सो अब मैं इनके अंदर आईपी एड्रेस कॉन्फिगर कर देता हूँ। तो 10.0.0.1 हमने कॉन्फिगर करा था एक के अंदर, राइट, दूसरे के अंदर हम कॉन्फिगर कर देते हैं 11, जो हमने सेकंड लिया था 11 डॉट क्या था हमारे पास आईपी एड्रेस, वही मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 11.0.0.2। ओके, ठीक है, सो 11.0.0.2 ये हमने कॉन्फिगर कर दिया। अब हम इन दोनों के अंदर क्या करेंगे, तो आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके देखेंगे। सो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे पिंग कमांड का इस्तेमाल करूंगा, तो पिंग करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10.0.0.1 को पिंग करता हूँ। लेट अस सी कि हमें रिप्लाई यहाँ पे मिलता है या नहीं मिल पाता। तो यू कैन सी वी आर गेटिंग रिक्वेस्ट टाइम आउट, राइट। व्हाई? बिकॉज हमारे पास क्लास जो आपका फर्स्ट पीसी है, फर्स्ट पीसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 का जो नेटवर्क सेक्शन है वो आपका 10 है, बट इन द सेकेंड पीसी हमने जो आईपी एड्रेस दिया है उसमें फर्स्ट जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें क्या कर दिया है, 11 कर दिया। अगर हम इसकी जगह पे 10 कर देते हैं तो डेफिनेटली नेटवर्क सेक्शन आपका जो है चेंज हो गया। अब अगर हम यहां से पिंग करते हैं तो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग रिप्लाई, राइट। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपके पास में नो डाउट आप क्लास ए का इस्तेमाल करें, बी का इस्तेमाल करें या सी का इस्तेमाल करें, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इन द लोकल एरिया नेटवर्क। सो इन दैट केस आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नेटवर्क सेक्शन। जिन भी कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, इन दैट केस यू नीड टू टेक केयर ऑफ नेटवर्क पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन मस्ट बी सेम इन ऑल द कंप्यूटर्स, राइट। होस्ट सेक्शन कैन बी बिटवीन 0 to 255, एनीथिंग। ओके, सो अब मैं क्लास बी का बता रहा हूं। सो क्लास बी फोकस ऑन दैट पार्ट, द नेटवर्क सेक्शन यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो हमारे पास यहाँ पे पीसी, अगेन आई एम टेकिंग 3 पीसी, पीसी 1 है हमारे पास, पीसी 2 है, एंड देन वी हैव अ पीसी 3। सो वी हैव 3 पीसी, राइट। सो फॉर फर्स्ट पीसी आई एम असाइनिंग द आईपी एड्रेस व्हिच इज 172.16.0.10। For second PC, I'm assigning 172.17.0.250. And for third PC, I'm assigning 172.17.250.65. So, which are the computers which can communicate each other? Oh. Last two, PC2 and PC3, right? Why? Because inka jo network section hai, you can see, the first two octet is network section. So network section mein you can see easily yahan pe network section jo hai wo aapka same hai, 172.17 172.17. Anu,
if we enter gateway, it will communicate. Let me answer at the end of the class. Okay, I'll definitely answer this. Don't worry. Okay, so PC, यहाँ पे हम लेते हैं for class C, PC 1, PC 2, and PC 3. Again, I'm taking three PCs, right? So अब मैं for class, PC 1, 192.168.10.250 whatever it is, 192.169.11.200 or for third PC it is 192.168.10.70. So which are the PC? 1 and 3. Why in 1 and 3? Because their third octet is same, right? The network. आप इसको इस तरह अगर मान लो in case अगर आपसे कोई interviewer इस तरह से question पूछता है, तो in that case you have to answer because the network ID for PC 1 and PC 3 is same, right? You have to answer that way. Not the यहाँ पे आपको third octet तो आपका match कर रहा है इसलिए नहीं. Professionally आपको जो है answer करना है. मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ बाकी आपको ताकि आप आगे चल के कहीं इंटरव्यू में काम इंटरव्यू वगैरह दें तो वहां पे आपको पता रहना चाहिए किस तरह बात करनी है. ओके, सो हमने यहाँ पे क्लासेस देख ली. अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ रैंडम आईपी एड्रेसेस लिख के बताऊंगा. आपको मुझे बताना है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, राइट? तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता हूँ. यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी एड्रेस, ठीक है? उसके सामने यहां पर आपको मुझे बतानी है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है वो, ठीक है? सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज लेट्स से 120.200.150.10. कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये? क्लास ए. हाउ यू हैव आइडेंटिफाइड ये क्लास ए का है? कैसे पता चला आपको ये क्लास ए का है? सो इट्स रेंज बिटवीन 0 to 127, है ना? The first octet range is between 0 to 127, है ना? So यहाँ पे हमारे पास है, it is a class A IP address, ठीक है? ये mute कर ले please, किसके background में बहुत noise है. सतीश mute कर ले please, आपके background में noise है. Okay, यहाँ पे again IP address लिख रहा हूँ मैं, 5 ऐसे IP addresses लिखूंगा तो जिसके आप बारे में आपको ध्यान देना है ना. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 191.50.170.150.110. कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये? क्लास सी, क्लास थ्री. इट इज क्लास बी. क्लास सी सर, क्लास बी. आपकी रेंज क्या है? 128 से लेके 191 तक है क्लास बी की, राइट? तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है. अब यहाँ पे मैं एक और आईपी एड्रेस लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल हमारे 192.168.256.10. तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी. यही गलती कर गए. देखो मैंने बोला आपको रेंज कहाँ पे से कहाँ तक है आपके पास में. दिस इज इनवैलिड आईपी. Invalid, yes sir. 55. So it is invalid. It is invalid IP address. तो इंटरव्यू में भी कई बार इस तरह से क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं. इनफैक्ट आपके अगर आप लोग कोई एग्जाम देते हो, कई बार एग्जाम में भी इस तरह से रिटर्न एग्जाम लेती हैं कंपनीज, तो वहां पर भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं. तो यू हैव टू फोकस कि कौन सी क्लास का वो आईपी एड्रेस है, उसको भी देखना है आपने. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है जो आपके बाकी के बचे हुए ऑक्टेट है उनके अंदर आपके पास जो रेंज डिफाइंड है फॉर IPv4 आईपी एड्रेस वो आपकी सेम है या नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आईपीवी. अब देखो मैं यहाँ पे वापस आपको पैकेट ट्रेसर में लेके चलता हूं. एक काम, एक चीज करते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूँ, सारी ये आईपी एड्रेसेस पहले रिमूव कर देता हूं. अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस एंटर कर रहा हूँ 190.10.0.0.1 करके, और डायरेक्टली हम इसको बंद करने की कोशिश करते हैं. तो यू कैन सी हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने कुछ ले लिया. चलो पैकेट ट्रेसर में ना पूरा एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, सो व्हाट आई विल डू, मैं
अपने कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड ओपन कर लेता हूं, ncpa.cpl। सो यहां पर हम चलते हैं और यहां पर जाकर कोई भी Let me see if we can. Okay, यहाँ पे IP address is configured है. Okay. Let me take any virtual IP. Let me see. हाँ, ये virtual IP एक बार check कर लेता हूँ. इसपे हमें मिल रहा है जो मिलना चाहिए कि नहीं मिल रहा है. ओके, सो यू कैन सी हमारे पास जब भी हम कोई आईपी एड्रेस एंटर करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो हमारे पास यहां पर ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये आपका कब होगा, जब आपका डीएससीपी अवेलेबल होगा तब हमारा बाय डिफॉल्ट ये टिक रहता है। बट अगर आपको मैनुअली कॉन्फिगर करना है तो इन दैट के समय यहां पर लिखना होता है, यहां पर टिक करना होता है यूज दी फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अब मैं यहां पे आईपी एड्रेस एंटर कर रहा हूं, तो आईपी एड्रेस मैंने यहां पे लिखा 10.120.200.10 और मैं डायरेक्टली इसको ओके प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने ओके प्रेस करा, यू कैन सी यहां पे क्या लिखा है, यू हैव एंटर एन एड्रेस दैट इज मिसिंग इट्स सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मिस है, जिसके अंदर अवेलेबल नहीं है, प्लीज एड अ सबनेट मास्क। जब भी अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करना है तो आपको ये सबनेट मास्क तो डालना ही पड़ेगा, ये सबनेट मास्क के बिना आपका आईपी एड्रेस जो है वो बिल्कुल भी कॉन्फिगर नहीं किया जा सकता, ना ही किसी कंप्यूटर के अंदर, ना ही किसी नेटवर्किंग डिवाइस को। राइट, गेटवे नहीं कॉन्फिगर करोगे चलेगा, डीएनएस नहीं कॉन्फिगर करोगे चलेगा, है ना। अगर मैं यहां पे अभी ओके करता हूं तो यू कैन सी यहां पर इसने कुछ नहीं बोला, इसने एक्सेप्ट कर लिया। बट जब मैंने यहां पे ना आईपी एड्रेस नहीं डाला था, ये सबनेट मास्क नहीं डाला था, तब मैंने डायरेक्टली ओके करा, तो यहां पे मुझे इसने एक नोटिफिकेशन दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सबनेट मास्क डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे यू कैन सी मैंने 10 लिखा तो यहां पे ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, 255.0.0.0 कर दिया। अब इसको जो है अगर मैं रिमूव करके इस आईपी एड्रेस की जगह पे एक और कोई आईपी एड्रेस लिखता हूं 192.10.60.50 और इसको डायरेक्टली ओके करता हूं, अगेन इट विल से सबनेट मास्क से एंटर नहीं करा, मैं इसको ओके कर रहा हूं, मैं कहीं पे एंटर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको ओके कर रहा हूं, तो यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली यहां पे सबनेट मास्क पिकअप कर रहा 255.255.255.0। लेकिन अगर मैं एक और आईपी एड्रेस यहां पे एंटर करता हूं सभी चीजों को रिमूव करके, तो यहां पे लेता हूं 172.16.0.10 कर लेते हैं और इसको ओके करता हूं, ओके करता हूं, तो नाउ यू कैन सी 255.255.0.0, है ना। हर क्लास के लिए यहां पे अलग अलग ये सबनेट मास्क पिकअप कर रहा है, ऐसा क्यों? जब भी आप एक एज अ नेटवर्क इंजीनियर कहीं पर किसी अच्छी प्रोफेशनल कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपके जितने भी सीनियर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे, वो आपको पूरा आईपी एड्रेस नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेस बताएंगे, कैसा आईपी एड्रेस बताएंगे, से फॉर एग्जांपल 10.0.0.0/8। अब बोलेंगे ये एक काम करो, ये आप ये वाला आईपी एड्रेस जो है अपने नेटवर्क में इस्तेमाल करो। चलो ठीक है, आपने आईपी एड्रेस तो दिख रहा है यहां पे, लेकिन सबनेट मास्क क्या डालोगे, राइट, सबनेट मास्क क्या डालोगे वो कैसे पता चलेगा। ये जो स्लैश वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट योर सबनेट मास्क, राइट, ये स्लैश वैल्यू आपकी सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, अब आपके पास में से फॉर एग्जांपल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका आईपी एड्रेस क्या, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो यहां पे हम लेते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। सो ये हमने ऑक्टेट कर लिया। अब इस 8 का मतलब क्या है, सो आपका जो भी सबनेट मास्क का सबनेट मास्क है उसके अंदर देयर आर 8 वंस अवेलेबल स्टार्टिंग यहां से लेफ्ट टू राइट, राइट, तो आपके पास में 8 वन अवेलेबल है, तो आप क्या करो, ये जीरो जितने भी है इनको कन्वर्ट कर दो वन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके वन। अब जो मैंने आपको मैजिक टेबल दिखाया था कि आपके पास में जो मैजिक टेबल है
उस मैजिक टेबल के अकॉर्डिंग आप अगर ये वैल्यू को उठाकर उस मैजिक टेबल के नीचे डालते हो तो आपके पास में क्या आएगा, 128 के नीचे भी 1 आ जाएगा, 64 के नीचे भी, पूरा जितने भी लिखे थे वहां पे सभी के नीचे 1 आ जाएगा। सो आपके पास में मैजिक टेबल की वैल्यू क्या है, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सभी के नीचे 1 आ गया। तो आपको ये सभी वैल्यूज को प्लस करना है। अब इन सभी वैल्यूज को प्लस करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे 255 डॉट, अब जीरो को किसी भी वैल्यू के नीचे डालोगे क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही आएगा, जीरो जीरो। तो यहां पे ये जो स्लैश वैल्यूज आपको दी जाएंगी वो स्लैश वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करती हैं कि आपको सबनेट मास्क क्या एंटर करना है। इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर सम बिग कंपनी और मे बी योर आईएसपी विल गिव यू दिस काइंड ऑफ आईपी एड्रेस, और साथ में वो स्लैश वैल्यूज आपको डाल के देगा सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आपको सबनेट मास्क क्या डालना है, राइट। सो दिस ऑलवेज कैन नॉट बी 8, इट कैन वेरी बिटवीन 8 to 30। अब हम लेते हैं यहां पे एक और आई पी एड्रेस, तो 172.16.0.0/16। फॉर क्लास ए ऑलवेज बाई डिफॉल्ट वैल्यू इज 8, फॉर क्लास बी बाई डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू इज 16, विच मीन्स आपके पास में यहां पे कितने नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है, 16। तो आपका फर्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वन कन्वर्ट हो गया वन के अंदर, सेकेंड ऑक्टेट आपका कन्वर्ट हो गया वन के अंदर, तो आपका सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.255.0.0। फॉर क्लास सी 192.168.0.0/24, बाय डिफॉल्ट द स्लैश वैल्यू फॉर क्लास सी इज 24, विच मींस आपके पास में नंबर ऑफ वंस कितने अवेलेबल है आपके पास में यहां पर, 24। तो फर्स्ट ऑक्टेट सेकेंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट इज योर कन्वर्टेड इनटू 1, सो आपका सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.255.255.0, है ना। ये वैल्यू जो हम लोग अभी मैं कंप्यूटर में आपको चेक करवा रहा था तो वो वैल्यू आपको क्यों आ रही थी, बिकॉज हमने कहीं पर भी खुद एंटर नहीं करा सबनेट मास्क, राइट। तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा, जो भी हमने 10 की सीरीज डाली, क्लास ए का आईपी एड्रेस डाला, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसको स्लैश 8 मान के जो सबनेट मास्क है उसको कॉन्फिगर कर दिया। फॉर क्लास बी का जब हमने आईपी एड्रेस डाला तो उसने स्लैश वैल्यू 16 मान के खुद ही ये वाला आईपी एड्रेस कॉन्फिगर कर दिया। फॉर क्लास सी उसने 24 का बाय डिफॉल्ट मानकर इसको कॉन्फिगर कर दिया। बट ये आपकी वैल्यूज कब आपको मिलेंगी, जब आप यहां पर क्लासफुल आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर क्लास ए इफ देयर इज अ स्लैश 8 वैल्यू, then that means आपका जो IP address है that is classful IP address. Why it is known as a classful? Because the by default value slash value for class A is 8. For class B it is 16. For class C it is 24. Right? So till that time class A has a slash 8 and class B has a slash 16. Class C has 24. These IP addresses is known as classful IP address. राइट लेकिन आपके पास में यहां पर एक और वैल्यू होती है आईपी एड्रेस जो है, हम इसको अगर क्लासफुल ही इस्तेमाल करेंगे देन इन दैट केस डेफिनेटली हमारा जो आईपी एड्रेसेस है वो आपके वेस्टेज बहुत होता है। जब हम क्लासफुल आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं देन देयर इज अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस। उस वेस्टेज को रोकने के लिए क्या करा गया है, आपके आईपी एड्रेसेस को हमने कन्वर्ट करना पड़ता है हमें CIDR के अंदर, ठीक है। क्लासलेस के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। क्लासलेस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो देर आर टू फैक्टर्स टू कन्वर्ट दैट आईपी एड्रेस इनटू क्लास क्लासलेस। वन इज योर FLSM, सेकंड इज योर VLSM। FLSM स्टैंड फॉर फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। सो आप लोग इसको गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, और आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके IPv4 का पूरा कंप्लीट आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उस पे जाके देख सकते हो।